नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। गाजीपुर पुलिस ने कल देर रात लूट व चोरी की गई घटनाओं में शामिल एक बदमाश का एनकाउंटर किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गाजीपुर पुलिस ने एक पिछले एनकाउंटर की तरह इस एनकाउंटर में भी बदमाश के पैर में गोली लगी है और इसका साथी भागने में सफल रहा। रात करीब 9:30 बजे काशिमाबाद पुलिस को सूचना मिली। लूट व चोरी की विभिन्न घटनाओं में शामिल निखिल यादव अपने एक साथी के साथ बाइक से आ रहे थे। सूचना पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सिदोत के पास पुलिस ने घेराबंदी की है, पर बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। स्वाट टीम भी उस समय काशिमाबाद में ही गश्त पर थी। स्वाट टीम और काशिमाबाद थाना पुलिस ने दोनों बदमाशों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन के पास दोनों बदमाशों को घेर लिया है, पर उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें बदमाश निखिल यादव को पैर में गोली लग गई है और साथी भागने में सफल रहा है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सर, काशिमाबाद थाना क्षेत्र में सर अभी अभी पुलिस मुठभेड़ हुई, सर क्या है सर मामला? आज काशिमाबाद इंस्पेक्टर को ये सूचना मिली थी कि उनके क्षेत्र में कुछ बदमाशों का मूवमेंट है। पिछले दिनों जो एक दो लूट की घटना जनपद गाजीपुर में हुई थी, पुलिस निरंतर बदमाशों की सघन चेकिंग और उनकी निगरानी कर रहे थे। उसी में एक इनपुट ये भी मिला था, इस पर पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के दौरान स्वाट टीम भी अपना इधर ही क्योंकि बदमाशों की सूचना पे इधर आई हुई थी। यहीं एक्सप्रेस हाईवे पुल के नीचे काशिमाबाद क्षेत्र में इंस्पेक्टर काशिमाबाद अपनी पूरी फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक सफेद मोटरसाइकिल जिसके दो लोग सवार थे उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। वो रुके नहीं, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की अपने बचाव में, जिसमें एक बदमाश गोली लगी। उस बदमाश से क्योंकि तत्काल उसकी हालत चिंताजनक थी, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बाकी तथ्यों की जानकारी की जा रही है और इनके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी की जा रही है। ये बदमाश क्यों इस क्षेत्र में भ्रमणशील थे, क्या इनका मोटिव था, पूरी की पूरी जानकारी की जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।